तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 7 में एक चेन स्नैचिंग की वारदात हुई है। एसएचओ साहब मौके पर पहुंचे हुए हैं। एसएचओ साहब क्या बताना चाहेंगे, कुछ पता चल पाया अभी तक? आए हैं स्पॉट पे, अभी देख रहे हैं आसपास के सीसीटीवी फुटेज और उसके बाद कंप्लेन ले लिया, एफआईआर लॉज कर दी गई। महिला के साथ हुई है सर? जी, एक लेडीज भी करके आज सुबह भी हुई है। सर रुक जाएंगे तो आसान होगा। सुबह भी सर हुई है स्नैचिंग, सेक्टर 9 में हुई है, अटल पार्क के पास हुई है एक सुबह। आज क्या जानकारी मिली थी सर आपको? अभी ये जानकारी मिली थी कि एक लेडीज की चेन स्नैच हो गई है, तो अभी स्पॉट पे आए हैं, अभी लेडीज से बात करके आसपास के एरिया देख रहे हैं। सर बाइक पे थे सर? जी, तो सीसीटीवी चेक किया जा रहा है? हाँ वही कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सेक्टर 32 थाना के जो एसएचओ है इस समय आप देख सकते हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। एक और बड़ी वारदात हुई है सेक्टर 9 में, सुबह एक स्नैचिंग की वारदात होती है और आज आप देख सकते हैं एक और स्नैचिंग की वारदात हुई है जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सीएमसीटी करनाल में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चंद घंटों में दो बड़ी स्नैचिंग की वारदात होती है, एक करनाल के सेक्टर 9 में अटल पार्क से सैर कर वापस लौट रहे अंकल जी थे सिंगला अंकल जी, उनके भी जो है गले से सोने की चैन छीन कर 6:15 बजे बाइक सवार लुटेरे फरार हो जाते हैं। और आज जो आपने मामला देखा वो करनाल के सेक्टर 7 का है। एक महिला जो है घर के बाहर खड़ी थी, कूड़ा वाली जो गाड़ी है वो आई थी, कूड़ा डालना था महिला ने, तभी जो है पल्सर बाइक पर सवार ये जो दो लुटेरे दिख रहे हैं साफ साफ तस्वीर उनके कैमरे में कैद हुई है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप देख सकते हैं आगे वाले ने हेलमेट डाला हुआ है, पल्सर बाइक पर सवार है और पीछे वाले ने भी कुछ मुंह पर एक कपड़ा लपेटा हुआ है। आप देख सकते हैं गमछा टाइप जो होता है वो लपेटा हुआ है, जींस डाली हुई है, अच्छे जूते डाले हुए हैं, हाफ स्लीव की कमीज डाली हुई है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जो भी। तो इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सेक्टर 7 से। पहले तो ये चोरियां हुआ करती थी बाजारों में, हाईवे पर, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि रेजिडेंशियल एरिया में लोगों के घर के बाहर भी बदमाशों की जो हिम्मत है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आंटी जी कूड़े वाले के पास जाती हैं थोड़ा सामान डालने के लिए और उसके होते हुए वहां पर जो दो बाइक पर लोग आते हैं जिसमें एक ने मास्क डाला हुआ था, घर के बाहर से आंटी के गले से एक सोने की चेन जिसमें एक पेंडेंट भी था वो ले जाते हैं। आंटी जी से पूछना चाहेंगे किस समय की वारदात है? 12:30 बजे 12:30 बजे के करीब दो लोग थे। हाँ जी, बाइक पर थे। तो क्या हुआ उस समय, कैसे आए वो? मैं कच्चा डालने के लिए बाहर खड़ी थी, इतने बाइक पे दो जने बैठे होते, एक जने ने खींच के ले गया। तो उस समय कूड़े वाला नहीं आया था, मतलब कोई और था आसपास? नहीं, कूड़ा वाला अब आगे थोड़ा आगे खड़ा था ना, इसीलिए उसको पता नहीं चला। तो वो सीधा आए आपके पास या घूम के उन्होंने आपको देख के दोबारा आया? नहीं, उधर से घूमते आए थे, खेच के एकदम सीधा चले गए। तो पुलिस को आपने इन्फॉर्म कर दिया है? हाँ जी, मेरे बेटे ने कर दिया था। आप क्या बताना चाहेंगे कैसे हुआ है पूरा? मैं अंदर था, मुझे थोड़ी देर बाद मम्मी की आवाज़ आती है और मैं जाता हूँ तो पता चलता है कि ये वारदात हुई है और मम्मी काफ़ी शौक में थे और पता चला कि हाफ टुकड़ा मम्मी के पास रह गया और हाफ टुकड़ा चेन स्नैचिंग के टाइम उनके साथ चला गया, उनके साथ एक पेंडेंट भी था। तो सीसीटीवी वगैरह कोई आपके घर के आसपास या आपके घर में? आसपास सीसीटीवी कैमरा है और पुलिस जांच कर रही है मैम उसकी, उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 32-33 थाने से जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। एसएचओ सर भी यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने पूरी वारदात की जो है स्टेटमेंट ले लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 12:30 बजे के करीब 7 सेक्टर का रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ की काफी सेफ्टी मानी जाती है घरों के आसपास। और आप देख सकते हैं कि पहले बाजारों में, हाईवे पर या किसी क्राउडेड एरिया में ऐसी वारदात हुआ करती थी, लेकिन अब देख सकते हैं घरों के बाहर भी जो है बदमाशों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि सेक्टर 7 में रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ पर लोग रहते हैं वहां पर भी इस तरह की वारदात जो है यहाँ पर लोग करने लग गए। और आप देख सकते हैं दो लोग जिसमें से एक ने, दो युवक थे जो एक बाइक पर था, उसने मास्क डाला हुआ था। और आप देख सकते हैं 112 की टीम भी यहाँ मौके पर मौजूद है, जो सीसीटीवी है आसपास के उन्हें भी खंगाला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनका पता लगाया जा सके। और आप देख सकते हैं यहीं पर आंटी जी खड़े थे बाहर कूड़ा डालने के लिए, कूड़े वाले का वेट कर रहे थे और दो युवक आते हैं बाइक के ऊपर जिसमें से एक ने मास्क डाला हुआ था और आंटी के गले से चेन खींच कर ले जाते हैं जिसका एक टुकड़ा उनके हाथ में रह जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कितनी हिम्मत यहाँ पर बदमाशों की बढ़ जाती है। और सुबह भी 9 सेक्टर में वहां पर आप देख सकते हैं 6:15 बजे के करीब जो है एक अंकल जी सैर कर रहे होते हैं, पार्क से वापस अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, उनके गले से भी जो है सोने की चेन निकाली जाती है। और आप देख सकते हैं एक ही दिन के अंदर दो वारदात हो जाती है चेन स्नैचिंग की। मैं आपसे यही अपील करूंगी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 7 से और आप लोग देख सकते हैं कि दिन ब दिन लगातार जो है इस तरह से वारदातें बढ़ती जा रही है चेन स्नैचिंग की। हमने सुबह एक दिखाया किस तरह से एक बुजुर्ग जो है सैर कर रहे होते हैं और इस तरह से एक चेन स्नैचिंग को जो आप इस वक्त आप देख सकते हैं सेक्टर 7 में ही होता है। डायल 112 से यहाँ पर पुलिस पहुंची है तो उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ उनका कहना है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या पूरी वारदात हुई और क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जा रही है? हमारे पास इवेंट आया था, 5-7 मिनट के बाद हम यहाँ आ गए थे, लेडीज खड़ी थी बाहर जी,
चैन स्नैचिंग करके चले गए। किस वक्त की बात है सर? ये 12 बजे के बाद के बात बता रहे। तो कैसे, क्या घर के बाहर ही खड़ी थी? बाहर ही खड़ी थी, यहाँ कूड़ा काटा डालने थे, उसका इंतजार कर रही थी। तो क्या वो लड़के पहले भी यहाँ पर देखे गए हैं? नहीं, पहले नहीं देखे। कौन सी मोटरसाइकिल पे थे जी? ये कौन सा बता रहे सर? पल्सर बता रहे सर। तो क्या जानकारी आई थी आपको जिसके पास पहुंचे? ये पल्सर बता रहे थे, मैडम ने फोन करा बीमारी स्नैचिंग हो गई। सर दो पाँच सात मिनट दो थे जी। और सर DVR चेक कर रहे हैं? DVR चेक कर रहे उधर SHO साहब भी हैं। SHO साहब सेक्टर 6 चौकी इंचार्ज जी। हाँ जी, देख सकते हैं यहाँ पर डायल 112 से पुलिस पहुंच चुकी है और जो कार्रवाई करते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही साथ जो आसपास CCTV फुटेज है वो भी खंगाली जा रही है कि जल्द से जल्द जो वो दो लड़के हैं पल्सर बाइक पर सवार होकर आते हैं उनका पता लगाया जा सके, क्योंकि इस तरह से जो वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। बुजुर्ग लोग अपने घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप देख सकते हैं घर के बाहर जो है आंटी आती है कूड़ा फेंकने के लिए आती है, और दो लड़के जो आते हैं इस तरह से चैन खींच कर चले जाते हैं। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वहीं आप लोग भी थोड़ा सा ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, क्योंकि इस तरह से वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है, तो अपने आसपास जरूर ध्यान दीजिए। हमने पहले भी अब आपको एक दिखाई थी खबर कि किस तरह से एक बुजुर्ग जो है सैर कर रहे होते हैं सेक्टर 9 में अटल पार्क में, और वहां पर इस तरह से वारदात हो जाती है। वहीं दोबारा सेक्टर 7 में दिन दिहाड़े ये वारदात होती है जहां पर घर के बाहर ही महिला खड़ी होती है कूड़ा फेंकने के लिए, और दो लड़के जो है बाइक पर सवार होकर आते हैं, पल्सर बाइक पर कहा जा रहा है। और फिलहाल आप लोग देख सकते हैं पुलिस यहां पर पहुंची थी डायल 112 से, और जो ये भी कहा जा रहा है जो आसपास अगर किसी के घर के बाहर CCTV लगे हुए तो वो फुटेज जो है खंगाली जा रही है, और लगातार इस तरह से प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द वो जो लड़के हैं वो पकड़े जा सके। और पहले भी ऐसी काफी वारदातें हो चुकी हैं, कभी महिलाओं की चेन स्नैचिंग होती है तो कभी पर्स स्नैच कर लिया जाता है, और ये भी बात सुनने को मिलती है देखने को मिलती है कि नशा जो है जो युवक है नशे की उनमें लत बढ़ती जा रही है, और इस वजह से नशे के कारण भी वो इस तरह से काम करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि कार्रवाई चल रही, जो आसपास के घर हैं वहां पर भी देखते हुए दिख रहे हैं कि कहीं से कुछ भी पता चल सके, अगर कोई पड़ोसी या उन्होंने जाते हुए देखा हो तो हर किसी से जानने का प्रयास किया जाएगा, CCTV फुटेज के थ्रू प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द जो है पता लगाया जा सके आखिरकार वो व्यक्ति कौन थे, कहां से आए थे, क्या वो वहां इससे पहले रेकी भी कर चुके हैं, उनको पता था कि महिला इसी वक्त बाहर निकलेगी कूड़ा लेने कोई आएगा, कि उसी वक्त ही उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। तो आप लोगों से हमारी यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वहीं आप लोग भी थोड़ा सा सावधान रहिए क्योंकि इस तरह से वारदातें लगातार बढ़ रही है, तो अपने आसपास थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपको कुछ भी इंसान कोई लग रहा है कि शक लग रहा है कि कोई व्यक्ति खड़ा है जो आपको देख रहा है काफी देर से खड़ा है, तो थोड़ा सा चौकस रहिए, और अगर आपको इस तरह से लगता है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म जरूर कीजिए। हालांकि पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है डायल 112 से, और प्रयास किया जाएगा जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ा जा सके। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। CM सिटी करनाल में क्राइम इस तरह से बढ़ता जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि आज एक ही दिन के अंदर दो स्नैचिंग की वारदात सामने आती है। सुबह 9 सेक्टर में सुबह 6:30 बजे के करीब एक अंकल जी से जो सैर करके वापस आ रहे होते हैं उनसे उनकी गोल्ड की चेन स्नैच कर ली जाती है, और अब आप देख सकते हैं सेक्टर 7 में एक महिला अपने घर के बाहर आती है कूड़ा डालने के लिए, और ना जाने किस रीजन की वजह से, आप देख सकते हैं क्या पता उन पर नजर रखी गई हो या फिर क्या रीजन रहा होगा। इस समय आप देख सकते हैं 32-33 थाने से SHO की जीप भी यहां पर मौजूद है। SHO सर जो है यहां पर पूरी खंगाली करते हुए नजर आ रहे हैं, CCTVs देखते हुए नजर आ रहे हैं, और पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो स्नैचर्स हैं उनको पकड़ा जा सके। आप देख सकते हैं सेक्टर 7 में महिला घर से बाहर निकलती है, कूड़े वाले का वेट कर रही होती है कि वो अपनी बाल्टी जो है उसमें पलटेंगी, लेकिन तब तक दो लोग बाइक पर आते हैं। सुबह भी बाइक पर दो लोग थे जिसमें से एक ने मास्क पहना हुआ था, और आप देख सकते हैं किस तरह से वो रास्ते अपने घर के बाहर खड़ी होती है, और वो चलते चलते उनके गले में से सोने की चेन जो है स्नैच कर लेते हैं। उनके पास एक पेंडेंट भी था जो आधा उनके हाथ में रह जाता है लेकिन आधा जो है आंटी के पास रह जाता है। मैं आपसे यही अपील करूंगी आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सर क्या बताना चाहेंगे, आपकी वारदातें जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, अब सेक्टर 7 में भी आंटी के गले से चेन स्नैच कर ली जाती है। बिल्कुल, वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और कानून व्यवस्था के ऊपर ना एक निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह है ये, और संडे को भी एक इससे पहले भी संडे को भी एक आंटी है उनका 1720 के पास उनकी चैन स्नैचिंग हो गई थी, और इसीलिए मैं भी इनके पास भी आया हूँ, और पुलिस को जो है ना इसके लिए कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ MC मुकेश अरोड़ा जी मौजूद थे जिन्होंने बताया किस तरह से रोज जो है स्नैचिंग की वारदातें देखी जा सकती है, और रोज जो ये क्रिमिनल्स हैं इनकी किस तरह से हिम्मत बढ़ती जा रही है कि लोगों के घरों के बाहर से भी वो चेन स्नैचिंग करने लग गए हैं। पहले ऐसी वारदातें हाईवेज पर क्राउडेड एरिया में बाजारों में देखी जाती थी, लेकिन अब घर के बाहर भी जो है ये क्रिमिनल्स घूमने लग गए हैं, नजर रखने लग गए हैं कि कब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं। मैं आपसे यही अपील करूंगी आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं CCTV के दौरान ये वीडियो जो है निकाली गई है, किस तरह से इन्होंने अपना मुंह कवर किया हुआ है, एक आगे वाले ने
हेलमेट पहना हुआ और बाइक पर, पल्सर बाइक पर आप देख सकते हैं ये लोग सेक्टर 7 में महिला के घर के बाहर से उनके गले में से सोने की चेन विद अ पेंडेंट ले जाते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से इस समय पहचान कर ली गई है। पुलिस की पूरी यही कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जो क्रिमिनल्स हैं इनकी पहचान की जा सके, नंबर प्लेट की पहचान की जा सके और जल्द से जल्द इन्हें पकड़ा जा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीएम सिटी में जो ये वारदातें हैं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, रोज जो एक नया क्राइम सामने आ पा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग होते हैं अच्छे घरों के होते हैं, नशे के आदि होते हैं, जिसकी वजह से अपनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम के लिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा कमाई के लिए ये लोग ऐसे लोगों के घरों में डाका डालते हैं। चोरी की भी जो बहुत सारी खबरें हैं वो सामने आती नजर आ रही है। मैं आपसे यही अपील करूंगी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सीएम सिटी करनाल में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चंद घंटों में दो बड़ी स्नैचिंग की वारदात होती है, एक करनाल के सेक्टर 9 में अटल पार्क से सैर कर वापस लौट रहे अंकल जी थे, सिंगला अंकल जी, उनके भी जो है गले से सोने की चैन छीन कर 6:15 बजे बाइक सवार लुटेरे फरार हो जाते हैं। और आज जो आपने मामला देखा वो करनाल के सेक्टर 7 का है। एक महिला जो है घर के बाहर खड़ी थी, कूड़ा वाली जो गाड़ी है वो आई थी, कूड़ा डालना था महिला ने, तभी जो है पल्सर बाइक पर सवार ये जो दो लुटेरे देख रहे हैं साफ साफ तस्वीर उनके कैमरे में कैद हुई है। हमारी सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप देख सकते हैं आगे वाले ने हेलमेट डाला हुआ है, पल्सर बाइक पर सवार है और पीछे वाले ने भी कुछ मुंह पर एक कपड़ा लपेटा हुआ है। आप देख सकते हैं गमछा टाइप जो होता है वो लपेटा हुआ है, जींस डाली हुई है, अच्छे जूते डाले हुए हैं, हाफ स्लीव की कमीज डाली हुई है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। जो भी लोग इसको जानते हो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आप इस समय देख सकते हैं एसएचओ जो है सेक्टर 32 थाना के वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस तरह की वारदातें करनाल में लगातार बढ़ती हुई नजर जरूर आ रही है। पुलिस की तमाम टीमें हरकत में आ जाती है क्योंकि करनाल के सेक्टर 7 में जो है अभी कुछ ही देर पहले एक महिला की गले से चेन खींचकर जो बाइक सवार लुटेरे हैं वो फरार हो जाते हैं। हमारी आज सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तस्वीरें देख सकते हैं समय सेक्टर 32-37 थाना के जो एसएचओ है वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालते हुए नजर आ रहे हैं ताकि महिला के गले से जो चैन खींचकर बाइक सवार लुटेरे फरार हो गए हैं उनके बारे में कोई ना कोई जानकारी जरूर जुटाई जा सके। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी वारदात होती है। सबसे बड़ी बात है कि सीएम सिटी करनाल में लगातार चेन स्नैचिंग की वारदातें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज सुबह सेक्टर 9 में एक अंकल जो अटल पार्क से सैर कर आ रहे थे 6:15 बजे, उनके साथ भी जो है बाइक सवार लुटेरे इसी तरह के, आगे हेलमेट डाला हुआ था और पीछे वाला जो लुटेरा था वो नीचे उतरकर अंकल से एड्रेस पूछने के बहाने जो है उनकी चैन खींचकर फरार हो जाता है। और कुछ ही घंटे बाद आप देख सकते हैं सेक्टर 7 में भी इसी तरह की एक वारदात होती है। मकान नंबर 414 के बाहर खड़ी एक महिला जो कूड़े वाले का इंतजार कर रही थी, तभी जो है किस तरह से महिला के गले से सोने की चैन खींचकर जो बाइक सवार लुटेरे हैं वो फरार हो जाते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सीएम सिटी करनाल में लगातार जो चोरी की वारदातें हैं, स्नैचिंग की वारदातें हैं, वो लगातार बढ़ रही है, जो अपने आप में काफी चिंता का विषय जरूर है। आसपास के आप देख सकते हैं जो अंकल है वो हमारे साथ मौजूद है। अंकल जी क्या बताना चाहेंगे, एक दिन दिहाड़े वारदात हुई है, महिला घर के बाहर खड़ी थी, क्या जानकारी मिली, क्या कहना चाहेंगे? अब तो पुलिस वालों का काम है, वो देखेंगे कि ऐसी वारदात आगे ना हो। और हम लोग तो गए हुए थे यहाँ से साईं मंदिर में, अभी आए तो पता लगा। अब पुलिस वालों का ड्यूटी बनती है कि उसको देखे और क्या सीसीटीवी खंगाले और देखे और तहकीकात करे। तो आंटी बाहर आई थी थोड़ी देर के लिए? नहीं, ये बराबर वाली आंटी पता नहीं, हम तो गए हुए थे, अभी आए बाद में। लेकिन हैरान कर देने वाला कि घर के बाहर से। हाँ, हैरान करने वाला तो है ही, हमारे पार्षद भी खड़े हुए हैं, देखिए क्या होता है, होना तो नहीं चाहिए था। मैं चाहता हूँ ये वाला जो गेट है ये बंद किया जाए, ये पहले बंद रहता था, अभी दोबारा बंद किया जाए। मोटरसाइकिल पे आए थे लुटेरे? मुझे नहीं पता, हम लोग तो अभी सीसी उधर से आए, तो अभी पहुंचे हैं अंकल। लेकिन हैरान कर देने वाली बात जरूर है, स्थानीय पार्षद हैं सेक्टर 7 से मुकेश अरोड़ा जी, क्या बताना चाहेंगे? सुबह सेक्टर 9 में स्नैचिंग हुई, आज सेक्टर 7 में हुई, कुछ ही घंटों में वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, लगता है कि सीसीटीवी कैमरे जरूर होने चाहिए सेक्टरों में भी। सबके सीसीटीवी कैमरे ना सबने इंडिविजुअल बना लगा रखे हैं, किसी का भी जो साइज है वो सड़क की तरफ नहीं है। मैं तो सबसे निवेदन ये भी करूंगा कि एक सड़क की तरफ ही हो ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके। और दूसरा, हमारे यहाँ किसी को धमकी मिली है तो सारा जो स्टाफ भी है ना पुलिस का वो भी उनके घर गैरेज में बैठा हुआ है। टोटल 10 स्टाफ में से 6 तो वहाँ चले गए, तो 4 से इतना बड़ा एरिया कहाँ से संभालेंगे। और कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है, वो जैसे आप बता रहे हैं अभी वेद प्रकाश अरोड़ा जी हैं, उनकी मिसिज की जो है संडे को 6:15 बजे, मतलब आप देखिए सुबह 6:15 बजे इतनी सुबह मंदिर जा रहे थे और उनकी चैन स्नैचिंग कर दी। अब ये भी घर से निकल रहे थे और चैन स्नैचिंग कर दी, इतने डर के माहौल में आदमी जी नहीं सकता, इतना डर के माहौल को पुलिस को दूर करना पड़ेगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। हरियाणा की हर बड़ी खबर
खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल वे हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।